हेलो एवरीवन, वेलकम टू जिला विज्ञान। बेटा आज हम अपने लाइफ प्रोसेस के 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि इस बार आपसे सीबीएसई में पूछे जाए। तो सारे क्वेश्चंस को हम डिटेल में सॉल्यूशन भी देखेंगे और इनके आंसर्स आप कैसे लिखें उनके बारे में भी हम यहाँ पे बात करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन 11th क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लिस्ट इन द टेबुलर फॉर्म द 3 डिफरेंसेस बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स। ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और काफी बार एग्जाम में आपसे 2 से 3 मार्क्स में पूछा जा चुका है। तो टेबुलर फॉर्म के अंदर आपको यहाँ पर बताना है। तो बहुत सिंपल है, आपको पता है कि आर्टरीज क्या करती है ना, जो आपका ब्लड होता है उसको हार्ट से दूर ले जाती है। क्या करती है? अवे फ्रॉम द हार्ट। ये बात ध्यान रखना, मैंने आपको बताया था कि आर्टरीज क्या करती है, जो ब्लड को आपके हार्ट से दूर ले जाती है। और जो वेन्स होती है, वो वेन्स क्या करती है कि आपके ब्लड को हार्ट के पास लाती है। पहला डिफरेंस ये हो गया। दूसरा डिफरेंस कि सर हमेशा जो आर्टरीज होंगी आपकी वो कैरी करती हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और वेन्स जो होती हैं वो क्या कैरी करती हैं? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। दूसरा डिफरेंस ये हो गया। इसके साथ एक और पॉइंट लिखना कि सर ऑक्सीजनेटेड ब्लड तो कैरी करती है, बट एक ऐसी आपकी आर्टरी है जो आपकी डीऑक्सीजनेटेड को कैरी करती है, यानी एक्सेप्शन है इसके अंदर, पल्मोनरी आर्टरी। तो पेपर के अंदर पूछ सकते हैं कि जो पल्मोनरी आर्टरी होती है वो क्या करती है, तो आप बोलना कि सर पल्मोनरी आर्टरी एक ऐसी आर्टरी है तो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, ठीक है। और उसके बाद अगर हम वेन्स की बात करें तो सर वेन्स के अंदर पल्मरी वेन, यानी पल्मरी वेन एक ऐसी वेन है जो आपकी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, ठीक है। ये क्या है, अगर आर्टरीज की बात करें तो दीज आर द मोस्टली डीपली सिचुएटेड इन द बॉडी, बॉडीज के अंदर डीपली सिचुएटेड होती है और ये भी आपकी डीप लोकेशन पे मिलती है। वेन्स जो होती है वो थिन वॉल्ड की होती है, ये आपकी जो आर्टरीज होती है वो थिक वॉल्ड की होती है। तो इनके बीच में अगर आपसे डिफरेंशिएशन पूछा जाए तो आप बता सकते हैं, और या फिर जिनको मैं स्टार मार्क कर रहा हूं आपका, इनसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि जहां पर भी एक्सेप्शन का क्वेश्चन बनता है ना बेटा, वहां से क्वेश्चन पूछने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं, क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका कि हाउ इज यूरिन प्रोड्यूस एंड एलिमिनेटेड। तो बाउमेन कैप्सूल का आपको पूरा यहाँ पर बताना है एक्सक्रीटरी सिस्टम की यूरिन आपका कैसे प्रोड्यूस होता है और कैसे आपका एलिमिनेट होता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वहां से जो वाटर एक्सट्रैक्ट होता है, जो आपका वो वाटर कैसे के बाद, तो ये सारी चीजें आपको एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर मैंने पिछली वाली वीडियो के अंदर करा दी थी। तो यहाँ पे आपको एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में सारी चीजें डिटेल में बतानी है। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर यहाँ पे आप आराम से इजिली इसको बना सकते हो, ठीक है, जिसके अंदर किडनी आपका हो गया, यूरेटर हो गया, ब्लैडर हो गया, यूरेथ्रा हो गया, तो सारी चीजें को मार्क करके डायग्राम करके आप वो बना सकते हो। ये ऑलरेडी मैं आपको करा चुका हूँ, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि इन ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल नेम द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन ऑफ वेरियस कॉम्पोनेंट ऑफ फूड एंड एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। आपको एक ऐसा पॉइंट बताना है एलिमेंट्री कैनाल के अंदर कि सर जहां पे आपका क्या होता है बेटा, जहां पे आपका डाइजेशन जो होता है वो स्टार्ट होता है, मतलब बेसिकली डाइजेशन आपका वेरियस कंपोनेंट का होता है और उसके अंदर आपको प्रोसेस ऑफ डाइजेशन पूरा एक्सप्लेन करना है। तो बहुत सिंपल है, मैंने आपको बताया था कि जो फूड होता है आपका उसका जो कंप्लीट डाइजेशन होता है वो कहाँ होता है आपका, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, और स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आपके फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस मौजूद होते हैं जिसको आप क्या बोलते हो, विलाय बोलते हो। तो वो आपका यहाँ पर कंप्लीट डाइजेशन को वहां पर टेक प्लेस करते हैं, ठीक है। तो ये वाली पॉइंट हो गया। दूसरा चीज आपको कंप्लीट डाइजेशन बताना है, तो डाइजेशन आपको कंप्लीट प्रोसेस बताना है ह्यूमन बीइंग के अंदर, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको मैंने इसके अंदर बताया था इंजेशन, एसिमिलेशन, ठीक है, माउथ के अंदर जाता है, एसिमिलेशन होती है, उसके बाद फिर आपका वहां पर डाइजेशन प्रोसेस होता है, फिर आपका एक्जेक्शन होता है। तो पूरे 5 प्रोसेस बताए थे, तो वही प्रोसेस आपको लिखने हैं। तो पहले आपका कहाँ जाता है खाना, माउथ में जाता है, माउथ के अंदर स्लाइवरी अमाइलेज आता है, वहां पे आपके जो स्टार्च होता है उसको आपके शुगर में कन्वर्ट करने की मदद करता है, ठीक है। उसके बाद आपका स्टमक में गया, स्टमक के अंदर वहां पे फिर आपका जो ऑइसोफेगस से जाता है वो आया, गैस्ट्रिक जूस मिस हुए, HCL आया,
ठीक है, उसके बाद फिर आपका पेनक्रियाज वगैरह के अंदर भी वो चीज हुई, उसके बाद फिर आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में गया, वहां पर ऑब्जॉर्प्शन हुई, उसके बाद फिर लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर जाके आपका बाहर निकला। तो ये पूरा प्रोसेस आपको बहुत डिटेल के अंदर मैंने वीडियो के अंदर बता रखा है, तो आप इस पूरे प्रोसेस को आराम से याद कर लेना, क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम आपके एग्जाम में आने के इस बार चांसेस ज्यादा है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स यहाँ पर लिखे हुए हैं आपके, ये सारे पॉइंट्स आप यहाँ पे पढ़ सकते हो कि आपके माउथ के बाद स्टमक के अंदर जो जो कंपोनेंट्स होते हैं, यहाँ तो आपका कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखा है, जैसे मैंने आपको बताया था कि इंजेशन, उसके बाद आपका एसिमिलेशन, ठीक है, फिर आपका डाइजेशन, फिर उसके बाद आपका इजेक्शन निकलता है। तो ये सारा प्रोसेस लाइन वाइज मैंने आपको सीक्वेंस में पॉइंट वाइज बताया था कि डाइजेशन के अंदर भी स्टमक का क्या रोल होता है, पेनक्रियास का क्या रोल होता है, कौन कौन से आपके यहाँ पर एंजाइम सिक्रेट होते हैं, बाइल जूस आपका कहाँ से गॉल ब्लैडर से निकलता है, कहाँ आता है, तो सब पॉइंट आपको मैंने वहां बता रखे हैं। तो उस वाले पेपर को अच्छे से रिवाइज कर लेना, उसके बाहर आपको एक भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आ गया कि आपको कई बार पता क्या होता है, आर्टरीज और वीन की जगह कैपिलरीज भी आपको वहां पर दे देते हैं। तो आर्टरीज और वेन्स तो आपने अभी पढ़ी ली, अगली चीज क्या है बेटा, कैपिलरीज। कैपिलरीज क्या करती हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सचेंजेस ऑफ मटेरियल, मटेरियल के एक्सचेंज के ऊपर ये रिस्पॉन्सिबल होती हैं। ठीक है, और क्या क्या मटेरियल होता है, जैसे ब्लड के और आपके सराउंडिंग सेल्स के बीच में, ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको फर्स्ट वाली वीडियो के अंदर भी कराया था कैपिलरीज से रिलेटेड, तो वही वाला क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं। और आर्टरीज और वेन्स के बीच में जो भी डिफरेंस है वो तो आप लोगों ने अभी मेरे से पढ़ ही लिया। ठीक है, तो यहाँ पे इसको पढ़ने की दोबारा नीड नहीं है। अगला क्वेश्चन है, ड्रॉ अ डायग्राम टू शो द ओपन स्टोमेटल पोर्स एंड लेबल ऑन इट गार्ड सेल्स क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, आपको एक डायग्राम बनाना है जिसके अंदर आपको गार्ड सेल और क्लोरोप्लास्ट के बारे में बताना है। बेसिकली ये वाला टॉपिक आपका नाइन्थ क्लास में पूरा कवर हो जाता है, बट अगर टेंथ में भी क्वेश्चन अगर पूछ ले तो आपको बताना है, आना चाहिए। ठीक है, तो ये आपके गार्ड सेल्स हैं, यहाँ पे आप ये देखें तो ये ओपन है और ये क्या है बेटा, क्लोज है। बाहर वाली जो ये चीज है इसको क्या बोलते हो, थिन आउटर वॉल बोलते हो। इसके अंदर जो ये वाले मौजूद हैं वो क्या है, गार्ड सेल्स। ये आपको जो दोनों तरफ दिख रहा है ये क्या है, न्यूक्लियस। और यहाँ पे अंदर जो सेंटर के अंदर मौजूद है वो क्या है आपका, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, तो क्लोरोप्लास्ट आपको पता ही है कि ग्रीन कलर जो प्लांट का होता है वो इसी की वजह से होता है। तो आप यहाँ पर इस वाले डायग्राम को देख सकते हैं और आपने यहाँ पर इन सबको लेबल कर दिया। अगला क्वेश्चन क्या था कि आप दो स्टोमाटा के फंक्शन बताएं और गार्ड सेल्स आपका ओपन और क्लोज कैसे होता है आप उसके बारे में बताएं। तो अपने को पता है स्टोमाटा क्या करता है कि भैया वो आपका बेसिकली एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन प्लांट्स के ऊपर रिस्पॉन्सिबल होता है। तो प्लांट्स के अंदर जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती है किसके बीच में, प्लांट के बीच में और एटमोसफेयर के बीच में, तो वो किसकी मदद से होती है आपके, स्टोमाटा की मदद से होती है। जो एक्सेस में वाटर होता है वो भी आपका यहाँ से रिलीज होता है थ्रू स्टोमाटा, और उसको रिलीज करने का जो प्रोसेस होता है उसको क्या बोलते हो, ट्रांसपिरेशन बोलते हो। ठीक है, ट्रांसपिरेशन आप लोगों ने बहुत डिटेल में वहां पर पढ़ा होगा जब आपको फोटोसिंथेसिस पढ़ाया था। ठीक है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग क्या होती है, आपको बताया था कि जब भैया ओपनिंग होनी होती है, क्लोजिंग होनी होती है, तो ओपन करता है तो मतलब वो गैसेस को इनहेल करता है वहां पर, और जब क्लोजिंग हो जाती है तो वहां पर आपका ऑक्सीजन को बाहर से आपकी गैसेस को लेना बंद करता है। ओपनिंग के अंदर जो आपके गार्ड सेल्स होते हैं वो आपके वाटर फ्लो को करते हैं जब ओपन होते हैं जब ना। ठीक है, तो ओपन होने के बाद थोड़ा सा वाटर फ्लो अगर आपके यहाँ पर ओपन हो गए, अगर मान लीजिए आपके ओपन हो गए तो इसके अंदर से थोड़ा सा वाटर फ्लो भी आपका निकल जाता है, पर ये ओपन होते किस वजह से, आपकी बाहर से गैस को लेने के लिए। ठीक है, काफी अगर जब ये ओपनिंग होती है तो यहाँ पर काफी अमाउंट ऑफ लार्ज ऑफ वाटर अमाउंट इज लॉस्ट टू द दिस स्टोमाटा। समझ में आ गया? ठीक है, तो ये स्टोमाटा का सारा केस है, आप लोगों ने क्लास नाइन्थ के अंदर बहुत डिटेल में इस चीज को पढ़ा होगा। तो ज्यादा डिटेल में मैं आपको यहाँ पर इसमें नहीं करा रहा क्योंकि ये रिविजन क्लासेस है, तो रिविजन क्लासेस के अंदर ज्यादा डिटेल में करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। एक्सप्लेन द न्यूट्रिशन इन अमीबा। मैंने आपको जो नोट्स दिए थे, नोट्स के अंदर बहुत डिटेल में बेटा आप लोगों का न्यूट्रिशन इन अमीबा वहां पर है, तो उस चीज को आप वहां पे देख लेना, वहां पे उस चीज को अच्छे से आप वहां पर पढ़ लेना, क्योंकि यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। सेम प्रोसेस आपको न्यूट्रिशन इन अमीबा में लिखना है, जैसे आपको मैंने वहां पर बताया था कि अमीबा के अंदर क्या मौजूद होते हैं, आपके प्रोटोजोआ मौजूद होते हैं। ठीक है, और इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या रहता है, आपका होलोजोइक न्यूट्रिशन आपका यहाँ पर रहता है।
ठीक है, जो प्रोसेस होता है यहाँ पर अमीबा का वो आपका फाइटोकिनेसिस से लेता है और डिफरेंट प्रोसेस ऑफ अमीबा न्यूट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पे आपको बेसिकली आपको पूरा प्रोसेस यहाँ पर समझाना है जो आपको मैंने बताया था कि इंजेशन में क्या होता है आपका, डाइजेशन में क्या होता है, एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, एसिमिलेशन में क्या होता है और इजेशन में क्या होता है। तो ये पांचों स्टेप आपके लिखे हैं कि यहाँ पर और रिस्पॉन्सिबल कौन होता है आपका, प्लाज्मोपोडिया होता है। तो अगर 2 मार्क्स में पूछा जाए तो छोटा सा लिख के आप वहां पे खत्म कर सकते हो कि भैया अमीबा आपके फूड बॉडी में लेता है और थ्रू प्लाज्मोपोडिया लेता है और वहां पर वो आपके वैक्यूल्स बनाता है, उसके बाद उस फूड को आपका तोड़ देता है, एब्जॉर्प्शन करता है और उसके बाद जो अनडाइजेस्टेड पार्ट होता है उसको रिमूव कर देता है। वैसे 5 मार्क्स में नहीं पूछेंगे, इन सब में से एक एक पॉइंट जो मेन इंपॉर्टेंट है आप वो लेके वहां पर लिख सकते हैं। तो बेसिकली आप वहां पर 3 पॉइंट अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा वो आपसे 3 मार्क्स के अंदर पूछा जाएगा, जिसके अंदर आप वहां पर 3 पॉइंट्स लिखेंगे और लास्ट में एक छोटा सा डायग्राम बना देंगे। अगर आपने ये लिख दिए तो आपको वहां पर पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। और डायग्राम कौन सा है, डायग्राम आपका ये वाला है। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो ये फूड पार्टिकल था, तो ये न्यूक्लियस था, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने क्या किया, मैंने आपको बताया था जो प्लाज्मोपोडिया होता है उसने क्या किया, इस यहाँ पे इस फूड को अंदर ऑब्जर्व किया। ये फूड पार्टिकल आपको ऑब्जर्व हुआ, यानी इसके आसपास क्या बन गई, फूड वैक्यूल बन गई। ये फूड इसने ऑब्जर्व करा, अब ये फूड आपका यहाँ पर डाइजेस्ट हो जाएगा। डाइजेस्ट होने के बाद जो जो पार्ट होगा वो ले लिया जाएगा और जो अनडाइजेस्टेड फूड होगा वो आपका यहाँ से बाहर निकाल दिया जाएगा। तो पहले आपका क्या हुआ, इंजेशन हुआ, उसके बाद आपका डाइजेशन हुआ, ठीक है, उसके बाद आपका एब्जॉर्प्शन हुआ, एब्जॉर्प्शन के बाद आपका फिर एसिमिलेशन हुआ और एसिमिलेशन के बाद आपका क्या हो गया, इजेक्शन हो गया। तो ये पूरा प्रोसेस आपके सामने लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, व्हाट इज सलाइवा एंड रोल ऑफ डाइजेशन इन द फूड। आपको बताया था कि सलाइवा जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वहां पर सलाइवरी अमाइलेज को निकालता है, जो बेसिकली क्या करता है आपका ब्रेकडाउन स्टार्ट कर देता है किसका, आपका फूड में। अगर आपसे पूछे कि पहला ही ब्रेकडाउन या डाइजेस्टिव प्रोसेस कहाँ स्टार्ट हो जाता है, तो आप आंसर देंगे माउथ के अंदर। माउथ के अंदर से जो वाटर होता है वो जो आपका सलाइवा होता है वो आपका इसको डाइजेशन करना स्टार्ट कर देता है। तो saliva is the waterly fruit secreted by the salivary gland in the mouth. The digestive function of saliva includes mouthing foods, ho gaya, helping to create a food vacuole, salivary gallase and salivary amylase enzymes break down the starch into maltose and dextrin. तो basically आप याद रखिएगा कि saliva क्या होता है, एक आपका waterly fluid होता है जो आपका digestion process start करता है। ये क्या करता है, ये आपके mouth के अंदर जो food आपका पहली time enter होता है उस food को, उस complex food को सिंपलर मॉलिक्यूल्स में, सिंपल मॉलिक्यूल में तोड़ने के लिए मदद करता है। मतलब आप खाने को चबाते हो तो खाना रॉ फॉर्म में होता है, वो टूट के आपका ऐसा हो जाता है। तो पहला पॉइंट तो आप वहां लिखेंगे। दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे कि आपके सलाइवा के अंदर मौजूद होता है सलाइवरी अमाइलेज, जो आपके क्या करता है कि जो आपके खाने के अंदर स्टार्च मौजूद है उसको ब्रेक डाउन करता है आपके शुगर के अंदर। शुगर में अगर आप पर्टिकुलर नाम बोले तो माल्टोज और डेक्सट्रिन बोल सकते हो, बट बेसिकली आप इतना भी लिख दोगे तो भी आपको पूरे मार्क्स मिल जाए, ठीक है। आसान क्वेश्चन था, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था। हाउ आर एल्वोली डिजाइन टू मैक्सिमाइज द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, मतलब रेस्पिरेशन से क्वेश्चन दिया हुआ है आपको। तो एल्वोलीज आपको पता है कि वहां पे पाउच, स्मॉल पाउचेस लाइक स्ट्रक्चर होते हैं और जिनके आसपास आपकी ब्लड कैपिलरीज होती हैं। इनका स्ट्रक्चर आपका ऐसे पाउचेस टाइप में क्यों होता है, क्योंकि वो आपके लार्ज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन को वहां से लंग्स से ले सके, तो इसलिए इनका ऐसे स्ट्रक्चर बनाया जाता है। मोर देन मिलियन से ज्यादा आपकी एल्वोलीज लंग्स के अंदर मौजूद होती हैं और इनका जो सरफेस एरिया होता है वो बहुत ज्यादा होता है, इनका जो सरफेस एरिया होता है वो बहुत ज्यादा होता है, जिस वजह से हर जगह से आपकी एयर यहाँ पे एब्जॉर्ब हो सकती है। तो द अवेलेबिलिटी ऑफ लार्ज सर्फेस एरिया मैक्सिमाइज द एक्सचेंजेस ऑफ गैसेस। तो एल्वोली के बारे में अगर आपसे बात पूछी जाए तो ये बातें आप वहां पर इजिली लिख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इजी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, 19th क्वेश्चन है कि जो ब्रीथिंग साइकिल होती है एक्सचेंज ऑफ गैसेस पे इज अ कंटीन्यूअस प्रोसेस, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। तो आपका जो ब्रीथिंग है, जैसे आप इनहेल करते हो ऑक्सीजन और एक्सहेल करते हो कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये एक कंटीन्यूअस प्रोसेस है, आप इसको कैसे जस्टिफाई करोगे ये बताना है। ब्रीथिंग साइकिल इन्वॉल्व्स इनहेलेशन और एक्सहेलेशन ड्यू टू द ऑल्टरनेट एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ थियोरेटिक एक्टिविटी, ये भी आपको एक्सप्लेन करना है, और उसके बाद ये आपका राइमिक प्रोसेस के बारे में बताना है। तो यहाँ पर अगर आपको पता है कि जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती है वो कैसे होती है, कि जब हम कार्बन ऑक्सीजन को क्या करते हैं, इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं, इस वजह से हमारी होती है। तो फर्स्ट पॉइंट आपका बेटा यहाँ पर यही लिखा हुआ है कि यहाँ पर सर जो ब्रीथिंग साइकिल होती है वो इन्वॉल्व होती है किसमें, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन के अंदर होती है,
ठीक है। और ये होता क्या है, ड्यू टू एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन, जो हमारी थोरैकिक कैविटी होती है उसका कॉन्ट्रैक्ट करना और एक्सपेंड करना आपकी इस वजह से होती है। तो ये क्या है आपका, एक राइमिक प्रोसेस है, मतलब एक के बाद एक, एक के बाद एक ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो इसीलिए जो गैस का जो आपका यहाँ पर एक्सचेंज होता है वो आपका ईच एंड एवरी सेल करता है, और कैसे करता है, डिफ्यूजन से। तो इसीलिए ये आपका एक्सचेंज ऑफ गैसेस क्या है, एक राइमिक प्रोसेस है, ठीक है। पेपर में पूछा जाए तो आप यहाँ पे इनके आंसर ऐसे लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि व्हाट हैपेंड कंडक्टिंग ट्यूब सर्कुलरी सिस्टम के अंदर, आपको वो बताना है। और दूसरा क्या बताना है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा। ये तो क्वेश्चन मैंने अभी आपको बताया पीछे, तो ये क्वेश्चन आप वहां से रेफर कर सकते हो। और कंडक्टिंग ऑफ सर्कुलरी सिस्टम की बात करें तो आपको पता है कि सर्कुलरी सिस्टम जो होता है हमारा विल बी इनएफिशिएंट इफ इट डेवलप अ लीक। अगर हमारे सर्कुलरी सिस्टम के अंदर या फिर हमारे हार्ट के अंदर कैसी भी अगर एक लीक जनरेट हो जाए तो वो आपका क्या होता है, एक इनएफिशिएंट हो जाता है। दिस कुड बी अवॉइडेड बाय मेंटेनिंग अ लोअर ब्लड प्रेशर। आपको पता होगा कि कई बार लोगों का ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा हाई हो जाता है, और ब्लड प्रेशर बहुत हाई होने की वजह से उनका जो हार्ट होता है वो प्रॉपरली वर्क करना बंद कर देता है, मतलब सर्कुलेटरी सिस्टम उनका इफेक्ट हो जाता है। तो इसको मेंटेन कैसे किया जाता है, अगर आपको देखा जाता है ना किसी की हार्ट बीट, अगर किसी का ब्लड प्रेशर हार्ट तेज हो रहा है तो उसकी जो हार्ट बीट्स होंगी वो बहुत ज्यादा तेज हो जाती है, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन आप उस रिस्पेक्ट में आंसर कर सकते हैं। इसी क्वेश्चन तो मैंने अभी आपको बताया था पीछे, तो आप वहां पर देखा आपने। अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि अगला क्वेश्चन आपको हार्ट का डायग्राम बनाने के लिए दिया हुआ है और लेबल पार्ट्स करने के लिए दिया हुआ है। तो आपके सामने हार्ट का डायग्राम बना है, ये डायग्राम आपको मैंने बहुत डिटेल के अंदर वहां पर समझाया था, तो ये डायग्राम आप वहां पर इजीली बनाएंगे, ठीक है। इसके बाद मैं आपको कुछ और डायग्राम्स यहाँ पे बता देता हूँ जो आपको डायग्राम्स एग्जाम के अंदर पूछे जाएंगे। जैसे आपका अगला डायग्राम आ गया ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये वाला डायग्राम आपसे एग्जाम के अंदर जरूर पूछा जाएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप इसके बारे में सारा पढ़ के रखेंगे, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में, डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है उसके बारे में आप सारा चीजें पढ़ के रखिएगा कि डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, कहाँ पर इंजेशन होता है, कहाँ पर एसिमिलेशन होता है, कहाँ पर आपका एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। इंजेशन के बाद आपका एसिमिलेशन, फिर उसके बाद आपका एब्जॉर्प्शन हो गया, ठीक है, उसके बाद आपका फिर डाइजेशन आ गया, और डाइजेशन के बाद आपका इजेक्शन। तो ये कहाँ कहाँ प्रोसेस होते हैं ये सारी चीजें, और इनको एक प्रॉपर डायग्राम के रूप में आप वहां पर पढ़ के रखेंगे। तो डाइजेस्टिव सिस्टम से आपको 2 मार्क्स में क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम में आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, ठीक है। उसके बाद आपसे एक ये वाला क्वेश्चन होता है एरोबिक और एक एनएरोबिक रेस्पिरेशन, ये वाला क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है कि भैया ग्लूकोज जो होता है आपका, ग्लूकोज साइटोप्लाज्म के अंदर आपका पाइरूवेट बना देता है। अगर आपको वहां पर अब कंप्लीट अमाउंट में ऑक्सीजन मिली तो वो क्या बनाएगा आपका, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी बना देता है। जब आपका रनिंग कर रहा होता है, कोई बंदा भाग रहा होता है, तो वहां पर ऑक्सीजन प्रॉपर अमाउंट में नहीं मिलती, तो लैक ऑफ ऑक्सीजन जब वहां पर होती है तो वहां पर आपका कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ ना बनके डायरेक्टली आपका वहां पर क्या बनता है, लैक्टिक एसिड और एनर्जी आपकी जनरेट होती है। ये वाली कंडीशन कब होती है कि जब आप कोई भी फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हो, कोई आप दौड़ रहे हो, भाग रहे हो, तब आपकी ये आपकी सिचुएशन आती है। थर्ड की बात करें तो ये कब आता है सर, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, जब आपकी आपकी जो एब्सेंस होती है ऑक्सीजन की, मतलब मान लीजिए ऑक्सीजन है ही नहीं, यानी एनएरोबिक रेस्पिरेशन हो रही है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन हो रही है, तो वहां पर आपकी किसकी फॉर्मेशन होती है, अल्कोहल की, कार्बन डाइऑक्साइड की और एनर्जी की। ये आपको देखने में मिलती है यीस्ट में, ये आपको ह्यूमन बॉडीज के अंदर ही मिलती है। यहाँ पर जो एनर्जी होती है वो आपकी एटीपी के फॉर्म में निकलती है, एडोनिन ट्राई फॉस्फेट। तो आपका ये वाला पोर्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है जिसके अंदर एरोबिक और एनएरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में एग्जाम में पूछते हैं, ठीक है। चलिए अगला आपको बाउमन कैप्सूल्स के बारे में, बाउमन कैप्सूल का आपका ग्लोमेरुलर होता है आपका, तो ये वाला डायग्राम आपसे पेपर में पूछा जाए तो ये डायग्राम बता सकते हैं, कलेक्टिंग डक क्या होती है, ब्लड कैपिलरीज क्या होती है, कहाँ से आपका जो आपका इजेक्शन होती है वो कैसे आपकी टेक प्लेस करती है, तो उसके बारे में आप यहाँ पर बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बेटा आपका पूरा लाइफ प्रोसेस के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे हमने सारे डिस्कस कर लिए। आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत पसंद आए होंगे और आप लोगों ने इसके अंदर कुछ ना कुछ नया जरूर सीखा होगा, और इससे आपके एग्जाम के अंदर आपको काफी ज्यादा मदद मिलने वाली है। तो आई होप आपको ये सेशन बहुत पसंद आया होगा। अगर सेशन पसंद आया है तो इस वीडियो को प्लीज आप लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना आप मत भूलिएगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।